अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। नमस्कार साथियों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। इस अनुमान के साथ मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। जनसुलभ पुस्तकालय की ज्योत्सना जी पर ये जो श्रृंखला चल रही थी, इसको बीते कई दिनों से बहुत आनंद के साथ सुन रहा हूँ। और ज्योत्सना जी की के साथ होने का एक एहसास इस पूरे उपक्रम में मुझे नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति देने वाला है। मैं पूर्व के लोग जो यहाँ पे आए, उन्होंने जिन्होंने बात करी, उस तरह से कोई परिचित नाम नहीं हूँ, तो अपनी शुरुआत एक संक्षिप्त परिचय से करता हूँ। मेरा परिचय यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शायद इतना ही काफी होगा कि मैं उन चंद और उन तमाम लोगों में शुमार हूँ जिनको ज्योत्सना जी के साथ उठने बैठने का, उनके हाथ के बनाए हुए कुछ खाने को खाने का, उनकी कविताएं और कहानियों को उनके मुंह से सुनने का, पढ़ने का, उनके बारे में तमाम लोगों से सुनने का और उनके साथ कुछ यात्राएं करने का भी एक तरह का अवसर मिला। जो जैसा मैंने इस हरपन जी से बात हो रही थी और हम लोग एक शीर्षक के बारे में बात कर रहे थे आज की बातचीत के लिए, तो एक भरपूर तसल्ली देने वाले व्यक्तित्व के रूप में ज्योत्सना जी मुझे नजर आई और अपने जीवन में मुझे शायद इतनी तसल्ली देने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। मैं जिन दिनों ज्योत्सना जी से के साथ परिचय में आया, शाह साहब के पूरे परिवार के साथ परिचय में आया, उन दिनों मैं अपने कॉलेज के शायद मास्टर्स के प्रोग्राम में पढ़ा करता था और वो जिंदगी में एक युवक के मन में जो कुछ भी ऊहापोह होती है उस दौरान कि वो क्या करेगा, करियर में क्या करेगा, उस तरह की ऊहापोह से गुजरता हुआ एक व्यक्ति था। और शाह साहब का परिवार हमारे परिवार का एक पारिवारिक मित्र था। मेरी माँ अल्मोड़ा से जाती हैं जहाँ से शाह साहब आते हैं, और मेरी माँ के बड़े भाई शाह साहब के साथ पढ़ते थे, मित्र थे, और ये लोग पड़ोसी भी थे। और मेरी माँ मुझे जब भी शाह साहब के बारे में बताती तो उनकी यादों में शाह साहब ने उनको उनके पढ़ने के दौरान जिस तरह की मदद की थी, सहयोग किया था और प्रोत्साहन दिया था, उसका बहुत सारा जिक्र होता है। मेरे पिताजी भी एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, तो वो भी शाह साहब के लेखन से परिचित से, ज्योत्सना जी के लेखन से परिचित से, मेरे परिचय होने के पहले ही ये सारी पृष्ठभूमि थी। एक दिन ये परिवार हमारे वहाँ होशंगाबाद आने वाला था और मुझे याद है कि उन दिनों अगर किसी का बहुत सारा परिचय दिया जाता और बताया जाता कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो मुझे कोई बहुत उत्साह नहीं होता था उनसे मिलने का, क्योंकि तमाम किस्म के एडल्ट्स यानी युवाओं से जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, कैसा पढ़ते हो और क्या करने वाले हो जीवन में, मेरे पास उस समय उन सारे प्रश्नों के कोई कोई निश्चित उत्तर नहीं थे। और वो एक ऐसा दौर था जब इस परिवार से मुलाकात हुई। मेरा काफी खेलने कूदने में मेरी काफी अभिरुचि थी और मैं फुटबॉल के दिनों फुटबॉल के मैदान में होता और बैडमिंटन के दिनों बैडमिंटन के मैदान में होता, और मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, कितना पढ़ना चाहता हूँ।
और उसके बाद किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। तो इस तरह के दौर में जब भी युवा होते हैं, और मेरे को लगता है कि कभी ना कभी शायद सारे युवाओं के सामने इस तरह का दौर आता है, कि उनको ये प्रश्न बड़े अटपटे लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई निश्चित इसका उत्तर नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। तो जिस चीज में मेरा मन था उसके अराउंड कोई मेरे से सवाल नहीं पूछता, जिस चीज के बारे में मुझे कोई पता ही नहीं था उस चीज के बारे में तमाम सवाल पूछे जाते। तो मुझे किसी किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी बड़े उम्र में बड़े व्यक्ति से, कोई नया व्यक्ति घर में आ रहा हो, इस बात से मेरे मन में तो कोई बहुत उत्साह नहीं पैदा होता था। लेकिन शाह साहब का परिवार आया, ज्योत्सना जी आई, राजूला शंपा साथ में, तो मुझे लगता है कि शायद बातचीत के दायरे बिल्कुल ही अलग थे जैसा मैंने सोचा था, और हमें एक तरह से जबरदस्ती ही बिठाया गया था कि वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग घर में ही रहना, कहीं जाना मत। लेकिन वो बातचीत मेरी तमाम शंकाओं के बावजूद बहुत ही सहज, सौहार्दपूर्ण और बड़ी आत्मीयता और सुकून से भरी हुई थी। और उसने एक तरह का जो संशय था वो तोड़ा। हालांकि वो एकदम से नहीं टूटता है, क्योंकि वो एक दिन टूटता है तो अगले दिन फिर पुष्ट हो जाता है किसी और व्यक्ति के आने से। तो वो इतना भी नहीं टूटा, लेकिन फिर भी मुझे ये तो समझ में आया कि हम किसी बहुत अलग किस्म के व्यक्तित्वों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद मेरा भोपाल जाना हुआ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली गया, और दिल्ली के मैं अपनी कुछ काम करने लगा, और उसके बाद मैं एक शोध विद्यार्थी था और गोंड आदिवासी जीवन पर के संबंध में कुछ मेरा शोध का संबंध था, तो उसके चलते मुझे मध्य प्रदेश के एक जंगल के अंदर बसे आदिवासी ग्राम नीलगढ़ में जाना हुआ। और उसके बाद मैं काफ़ी समय वहीं रहा, और अभी भी मेरा मन तो वहीं रहता है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यही वो जगह थी जहाँ पे ज्योत्सना जी के कई बार आई, और उनके साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के अवसर बने। और उसके बाद ज्योत्सना जी, चूंकि मेरा ज्योत्सना जी के एक साहित्यकार के रूप में उनसे परिचय बहुत धीरे धीरे और बहुत देर से आया। मैं उनको एक शानदार पारिवारिक व्यक्ति, बहुत एक आत्मीय व्यक्ति, बहुत ही एक ऊष्मा ऊर्जा और उमंग से लबरेज व्यक्ति के रूप में ही देखता रहा, और बहुत सहजता मिलती थी। बड़ी तसल्ली उनके होने से, बड़ी तसल्ली आदमी को मिलती थी। इसको बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से शायद समझाने की मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के लोग इस मंच से जुड़ते हैं, वो कोई व्यक्ति की उपस्थिति सुकून और तसल्ली से भरी हुई है, इसके मायने खुद लगा सकते होंगे। तो ज्योत्सना जी के बारे में मैं जो भी बात यहाँ अपने संस्मरण रखने जा रहा हूँ, उसका एक हिस्सा उनके व्यक्ति के रूप में है। ज्योत्सना जी एक व्यक्ति के रूप में, जब मेरा उनके दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलुओं से, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं से मेरा परिचय नहीं हुआ था, एक उनके साहित्यकार होने के पहलू से, उनके कथाकार, उनके कवि होने के पहलू से, और दूसरा मुझे उस समय शुरुआती दौर में उनके एक सामाजिक कार्यकर्ता के होने का भी उतना भान नहीं था। वो तो थी ही, अनसुया सेवा संस्था की मुखपत्र की संपादिका, और वो महज संपादिका नहीं थी बल्कि एक मैदान में जाके मैदान में काम करने वाले लोगों से मिलके, मैदान में महिलाओं से मिलके, और मैदान में भी एक आंदोलन जिस तरह का सेवा,
एक शांत आंदोलन करता है, उसकी एक बहुत ही प्रमुख किरदार थी। उसका अनुभव मुझे उसके बारे में जानकारी बहुत धीरे धीरे मिलती गई और मैं ज्योत्सना जी को एक किताब के नए नए अध्यायों के तौर पर क्रमशः पढ़ता गया। मेरे विचारों के फॉर्मेशन में, मेरी संवेदनाओं के फॉर्मेशन में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और विशेषकर उनकी कुछ कविताओं ने तो मेरे को बहुत झकझोर देने वाली कविताएं, या बहुत इतनी विनम्रता से कोई किसी को झकझोर दे, और स्त्री विमर्श के अराउंड लिखी हुई उनकी जो कविताएं हैं, मुझे लगता है कि वो स्त्रियां कितना पढ़ें ना पढ़ें, मतलब पुरुष के रूप में मैं उस इन कविताओं को पढ़ के शायद एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील पुरुष होने के दिशा में सोचने पर मजबूर हुआ। तो मैं जो भी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है उनके बारे में बात करते हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे ऐसा कुछ करने का अवसर रहेगा। लगभग 25 से 30 साल के बीच का अंतराल होगा उनकी पहली मुलाकात और उनसे उनके अंतिम दर्शन के अंतिम मुलाकात के बीच का। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनसे उनके होने ना होने के बावजूद आपका संवाद चलता रहता है, और ज्योत्सना जी भी मेरे जीवन में वही जगह रखती है। तो कई बार कई सवाल ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आप किसी असमंजस, दुविधा, ऊहापोह में होते हैं, तो आपको लगता है कि किसी से पूछ लिया जाए, और मेरे लिए वो व्यक्ति ज्योत्सना जी थी। तो ज्योत्सना जी से मैं पूछ लिया करता था, उनके रहते तक उनसे फोन करके या मिलके पूछ पाता था। आप अपने मन में पूछता हूँ और अभी भी या तो उत्तर देती हुई प्रतीत होती हैं और या मुझे लगता है कि वो होती तो ऐसा कहती, और फिर वो जैसा कहती मैं उस विचार के साथ चला जाता हूँ। तो आज की बातचीत में मैं कुछ हिस्सा वो नीलगढ़ में उनके आने के, नीलगढ़ एक छोटा सा आदिवासी गांव है घनघोर जंगल के मध्य, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रातापानी अभयारण्य के अंदर है, छोटा सा गांव है, वहाँ वो कई बार आई, कई बार रही, और वो जहाँ जाती थी वो जगह भी उनके साथ चली जाती थी, और वो भी वहाँ छूट जाती थी, मुझे ऐसा लगता है उनके बारे में। तो वो कुछ नीलगढ़ भी उनके साथ चला गया, लेकिन नीलगढ़ में तो वो बहुत सारी छूट है। आज भी नीलगढ़ गांव की किसी भी व्यक्ति को मामी के रूप में वो हमेशा एक यादगार व्यक्तित्व के रूप में याद है। मैं उनको मामी कहता था क्योंकि मेरी माँ शाह साहब को दाजू कहती थी, उस नाते वो मामा हुए और मामी जी इसी तरह से परिचय हुआ। तो एक हिस्सा मैं शायद नीलगढ़ के से जुड़े हुए कुछ संस्मरण आपके सामने रखूंगा। दूसरा हिस्सा जो जो सेवा के साथ उनका जुड़ाव था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा की जो फाउंडर हैं इलाबेन भट्ट, उनके साथ और सेवा के साथ मैं इतने करीब से देख के भी तय नहीं कर पाता था कि उनका किस चीज़ से रिश्ता ज़्यादा गहरा और ज़्यादा सच्चा है। वो इला बहन के और सेवा दोनों के प्रति बहुत ही बहुत बहुत ही श्रद्धा और आदर का भाव रखती थी, और सेवा का जो पूरा का पूरा विमर्श था, स्त्रियों को देखने की जो दृष्टि सेवा संस्था ने गुजरात से शुरू होकर पूरे देश को और फिर दुनिया को भी दिखाई, उन सारी बातों से उनका जो रिश्ता नाता था
वो काफी गहरा और सच्चा था। तो कुछ बातें उसके आसपास करूंगा। फिर ज्योत्सना जी को एक साहित्यकार के रूप में जो तमाम लोग देख रहे हैं और उन्होंने इतनी ऐसी ऐसी बातें कही हैं, इतने अच्छे विश्लेषण किए हैं, इतनी बारीक और इतनी सुंदर तरीके से उनकी 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 कहानियों, उनकी कविताओं पर बात करी है, मेहलका जी, सारा जी, नीतीश भाई, विपिन जी और कल राजूला को सुन रहा था, तो इतना ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे पता ही था ये बात, लेकिन मुझे पता नहीं थी असल में सुनने के पहले कि उन बातों को विशेषकर बहुत सारे वैलिडेशंस और एक नए तरह से जिस चीज़ को मैं देख रहा था उसके आर्टिकुलेशंस भी सामने आए। लेकिन मैं भी एक एक सामान्य से पाठक के तौर पे मैं कैसे उनको देख सुन समझ पाया उस पर भी कुछ ना कुछ बात जरूर मैं अपनी ओर से कहने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत उनके घर से और उनका घर जो नीलगढ़ में चला जाता था। एक तो शाह साहब के परिवार से जितने लोग परिचित हैं वो मुझे कई बार लगता है कि जैसे वो एक इकाई है, एक दूसरे के परस्पर पूरक, और उनको अलग 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 तो देखा जा सकता है लेकिन उनको एक दूसरे के साथ में देखना देखने का भी अपना सुख है। एक तरह से जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वो एक गजल की तरह का परिवार है जिसमें चारों शेरों को एक दूसरे के पूरक शेरों के रूप में भी देखा जा सकता है और उनको अलग अलग भी अपने आप में मुकम्मल बात रखने वाले, अपने आप में मुकम्मल अस्तित्व रखने वाले लोगों के तौर पे भी। तो ये सारी बातचीत में ये पूरा परिवार ही आता है, लेकिन इस पूरे के पूरे कड़ी को कोई के बीच में जो तार मुझे नजर आता है जो एक दूसरे को जोड़ता है वो भूमिका मुझे हमेशा ज्योत्सना जी की लगी। शुरुआत में जब मैं उनके वहां जाता था तो एक शिष्टाचार भेंट ही जैसी होती थी, लेकिन उसके बाद कब ये रिश्ते प्रगाढ़ हुए और विशेषकर जब मैं नीलगढ़ चला गया और मैं वहीं चलता हूँ, बीच के कुछ हिस्सों को छोड़ सकते हैं, हालांकि उसमें से छोड़ने लायक कुछ भी हिस्सा नहीं है, वो चाहे उनके उनके घर पहुंचने पर उनका ये कहना हो कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, तुम थक गए हो, मुंह धो लो, हाथ धो लो, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, उससे लेके जिस भी तरह का कुछ होता था वो कुछ भी सामान्य नहीं होता था। वो आज भी एक बहुत ही सच्ची तसल्ली देने वाली बात की तरह मुझे हमेशा याद है। तो नीलगढ़ में मैं तो लगातार भोपाल आता रहा और भोपाल में मतलब एक नौजवान था जो एक गांव में कुछ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जो वहाँ के वयस्कों के साथ मिलके कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारा मुझे उसको लेके ज्ञान भी नहीं था, बस ऐसा लगता था कि ऐसा करना चाहिए। तो जब मैं वहाँ से आता था भोपाल में तो पूरा परिवार मेरे से पूछता था कि क्या हुआ, मतलब उसमें नीलगढ़ के क्या हाल हैं, वहाँ के जीवन और वहाँ की स्थिति के बारे में बातचीत होती थी। तो उन्हीं बातचीतों के चलते कुछ जिज्ञासा, कौतूहल वगैरह हुआ और ज्योत्सना जी ने भी नीलगढ़ जाने का के बारे में सोचा और मुझसे कहा। इतना सुघड़ उनका घर है, हर चीज़ इतने करीने से है,
वहां से निकल के एक जंगल में जाने का, मतलब मुझे तो खुशी भी हुई कि वो कह रही हैं कि वो नीलगढ़ आई हैं, लेकिन साथ में ये भी लगा कि नीलगढ़ के गांव में आज की तारीख में भी बिजली नहीं है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं काफी घने जंगल के मध्य वो गांव है। और ज्योत्सना जी की का कौतूहल और जिज्ञासा भी इतनी वाजिब थी कि जिसको अपने घर के मकान के बगल के पेड़ से भी इतना प्रेम हो, तो उसे किसी समूचे जंगल जाने का अवसर मिले तो वो बात उनके लिए तो काफी खुशी से भरी थी। और उसमें थोड़ा मेरे प्रति लाड़ प्यार वगैरह भी था। तो पहली पहल जब वो वहाँ आने वाली थी, मैं बहुत ही असमंजस में था कि और संकोच में था कि उनसे कैसे कहूँ कि वहाँ तो टॉयलेट भी नहीं है, लोगों को लोटा मैदान बाहर ही जाना होता है, कैसे कहूँ कि वहाँ कोई स्नानागार नहीं है, और पुरुषों के लिए भी, शहर के पुरुषों के लिए भी जो कभी इस तरह की परिस्थिति में नहीं पड़े हैं, उनके लिए वो थोड़ा सा दुश्वारियों से भरा हो सकता था, और फिर किसी महिला के लिए तो शायद और होता। और मैं उनसे कहूँ भी कैसे, ये संकोच भी हो रहा था कि जो व्यक्ति आपको इतने बाह फैला के अपने घर में जगह देता है, आपका सत्कार करता है, वो आपके वहाँ आना चाहता है, तो आप उसको ना कैसे कहते। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कितनी परेशानियाँ होंगी कि उनका उनका पूरा जो जिज्ञासा, उनका कौतूहल, उनका वहाँ जाने को लेके एक तरह का जो उत्साह है, वो सब कहीं छिन भिन ना हो जाए। और मुझे मतलब रिश्ते तो काफ़ी डेलिकेट ही चीज़ होते हैं, तो जो रिश्ते बहुत प्रेशियस होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, महत्वपूर्ण होते हैं, वो काफ़ी चिंता भी देते हैं। शायद स्वाभाविक सी ही बात है कि ऐसा कुछ, यानी इन रिश्तों को मैं आज ना ला दे। तो लेकिन वो आई, और वो आने के बाद वहाँ जिस तरह से रही, उसकी मैं आपको एक बांगी भर देना चाहूँगा। तो उन दिनों हमारे गांव में ये कुछ 300-350 लोगों का ही बस्ती थी, एक हैंडपंप हुआ करता था, सड़क से ये गांव कुछ 4-5 किलोमीटर घने जंगल के अंदर है, और सड़क तर आप बस से आ सकते थे, उसके बाद उसके भीतर जाना होता था। तो मैं उनको लेने के लिए घोड़ा पछाड़, वो जगह है जहाँ आप बस से उतरते हैं और जहाँ से नीलगढ़ के लिए एक यात्रा शुरू होती है, तो मैं घोड़ा पछाड़ उनको लेने गया था। और घोड़ा पछाड़ से हम लोग यात्रा कर रहे थे, और मैं तो रोज ही वहाँ रह रहा था पिछले लगभग, मतलब जब उनकी पहली यात्रा हुई होगी शायद मुझे वहाँ रहते हुए 1 साल हो गया होगा, और वो पहली बार शायद आ रही थी, और ये कुछ 28 बरस पहले की बात। तो उनको तो इस ये जंगल जो है, ये इसमें बहुत सारी प्रजाति है, किसी एक प्रजाति का नहीं है, सागुन भी है, हर्र भी है, बहेड़ा भी है, आंवला भी है, अर्जुन भी है, तमाम किस्म के पेड़। और इन पेड़ों से परिचय मुझे शाह साहब के परिवार ज्योत्सना जी वगैरह के साथ यात्रा करते हुए, और दूसरा जंगल के इस गांव के जो लोग थे उनके बताने से हुआ। मेरा उतना रस, जितना रस व्यक्तियों में था उतना रस वनस्पति में नहीं था तब तक। तो ये पूरी यात्रा में जहाँ पैदल चलना था,
नाले, बरसाती नाले पार करने के लिए। कहीं कीचड़ थी, कहीं लंबी चौड़ी घास थी, कहीं कटीली झाड़ियां भी थी। उस सब के बीच में से कोई शहर में रहने वाला, इतने व्यवस्थित रूप से रहने वाला गुजर रहा हो, और पूरे के पूरे टाइम इस पूरी की पूरी यात्रा में हर एक कदम के पर जिसके पास वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की हरियाली, वहाँ की विविधता, वहाँ के रंगों का संयोजन, इसके बारे में इतनी सारी बातें थी कि मुझे लगा कि मैं इस रास्ते पे पहली बार चल रहा हूँ, जबकि मैं तमाम बार उन रास्तों पर चलता था। लेकिन वो खाली आँख होने से आपको दृष्टि तो नहीं मिल जाती ना, तो वही बात थी उनके साथ चलते हुए देखना, मतलब जितना भी देखना आया है उसमें बहुत कुछ ज्योत्सना जी की दृष्टि से देखना पहले आया, और उसके बाद शायद कुछ अपनी समझ बनी होगी उन चीज़ों को लेकर। और वो इतने, उनका कोई सिखाने का आग्रह नहीं। निधीश जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी बात में तो आग्रह और आक्रोश दोनों ही नहीं नजर आता, जबकि बात बहुत पते की होती। लेकिन उन्होंने तो कह दिया, अब आप उसे जैसे देख लें, इतनी सहजता की तरह, जैसे उन्होंने कहा भी ना हो, बस वो तो बह गया उनसे जो कुछ उन्होंने कहा, तो वो उस तरह से आता था। तो वो इतना कमाल का होता था कि मुझे तो लगता था कि मैं शायद दुनिया को देखने की एक तरह से कोई कोई पाठशाला में आता हूँ जब भी उनसे मिलना होता। तो ये हैंडपम्प जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इकलौता हैंडपम्प था, और जिन दिनों वहीं इत्तेफाक से वो खराब था, और वो हैंडपम्प खराब हो जाता तो गांव के पास पीने के पानी के लिए जो इकलौती चीज होती वो था कि एक नाले के किनारे, पहाड़ी नाला, कोई गंदा नाला नहीं उस तरह से, एक पहाड़ी बरसाती जो नाला था उसके बगल में एक झिरिया खोद ली जाती। झिरिया एक कहना चाहिए गड्ढे से बड़ा और कुएं से छोटी कोई एक चीज होती है, और उस झिरिया वो किसी नमी वाली जगह पे खोदी जाती है, तो उस जगह पानी का कुछ अंश होता है, तो वो धीरे धीरे से पानी रिसता है, और हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा पानी वहां इकट्ठा हो जाता है, और उस पानी को फिर किसी छोटे बर्तन से लेके अपनी गगरी, अपने कलश में भरना होता है। तो वहां से पानी ला रहे थे। ज्योत्सना जी ने पूछा, ये हैंडपंप खराब है तो तुम लोग पानी कहाँ से ला रहे हो? तो श्याम भाई और बड्डी भाई ये दो परिवार थे। ज्योत्सना जी जब गई तो ये आमने सामने इनके मकान थे, और वो सुबह अगर इन लोगों के घर में बाकी लोगों के घर की तुलना में थोड़े से बड़े से आंगन थे, तो कई बार रुकना श्याम भाई के घर में हो जाता, और बड्डी भाई उनके सामने ही रहती थी तो उनसे भी काफ़ी बातचीत होती। तो बड्डी भाई और श्याम भाई मामी की सहेलियाँ थी इसलिए तो वो उनसे पूछ रही थी कि कैसे, कहाँ से ये पानी आ रहा है। तो झिरिया का एकदम से वो बैठी हुई थी चूल्हे के पास में, एकदम से खड़ी हुई, और उन्होंने कहा कि चलो झिरिया में चलते हैं। और हम चूंकि श्याम भाई के घर में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि कोई बर्तन हो तो दे दो, भर के ले आएंगे। और वो जितना जितना उनमें उत्साह था, वो सारे लोगों में एक तरह से ना जैसे रंग डाल देता था अपना, और सारे लोग उसके रंग में रंग जाते थे, और हम सब लोग उनके साथ चल दिए।
थोड़ी देर उन्होंने कौतूहल से उसे देखा और उसके बाद उन्होंने ये प्रक्रिया खुद करनी शुरू कर दी और इतने करीने से उन्होंने उसमें से पानी गगरी में डालने की प्रक्रिया की कि ऐसा लगता था जैसे बरसों से वहीं रहती हूँ। और उसके बाद बातों बातों में आदिवासी जीवन में हंसी मजाक के लिए, गपशप के लिए बहुत जगह होती, शायद शायद किसी भी ग्रामीण जीवन में होती हो। तो वहाँ बच्चे बताने लगे कि हमको अगर खुद पीना है तो या तो चुल्लू से बहुत आहिस्ते से उसको उठाना होता है, नहीं तो वो नीचे से कंद जाता है बोलते हैं, जिसमें नीचे की मिट्टी घुल जाती है, तो उसको एक तरह से स्टेबल होने देना होता है और बहुत धीरे से उसे पीना होता है। और उसकी ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया वो होती है कि आप बंदर की तरह उसे पी लें, तो आप बैठ जाएं और फिर मुंह से उसे पी लें। तो बच्चे ये सब बताने लगे। तो ये ख्याति नाम कवित्री है ना, मुक्तिबोध फेलोशिप की विजेता, अनसुया की संपादिका, मतलब वो ऐसा कर जाएंगी मुझे मुझे नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने जैसा बच्चे कर रहे थे उसके बाद बिल्कुल ही वैसा कुछ किया। तो ये जीवन को, मतलब मुझे तो ये लगता है, बच्चों के बारे में हम लोग शिक्षा में काम करते थे तो एक बहुत ही प्रचलित कोट था कि बच्चे किसी चीज में जिसमें हम कुछ भी नहीं देख पाते उनमें एक चमत्कार देख लेते थे। मुझे ये बात ज्योत्सना जी के लिए भी बहुत बहुत सच लगती है कि जिसमें हम कुछ भी नहीं देख पाते थे वो एक तरह का चमत्कार उसमें देख लेते थे। तो ये इस तरह के तमाम वाक्य होते रहे। वो एक व्यक्ति और एक स्त्री दोनों काफी संपूर्णता में थी और वो स्त्रियों के मध्य एक संपूर्ण स्त्री जिसे खाना बनाने के बारे में भी जिसको बात करना जिस जो बात कर सकती थी, बड़े विशेषज्ञ के तौर पे, जिनके पास दादी नानी के घरेलू नुस्खे भी थे किसी भी मर्ज के लिए, जिनके पास कथड़ी को तुर्पण करने की समझ और कौशल दोनों था। तो स्त्रियां उनके आसपास, मतलब ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि वहाँ तो हालांकि एक आदिवासी गांव था लेकिन फिर भी घूंघट वगैरह होता था, वहाँ प्रचलन में था, तो सारी की सारी स्त्रियां उनके पास आती थी। वो उन स्त्रियों से उनके बारे में बात सुनती थी और उन उस 80-90% सुनने के बीच में कुछ 5-10% वो कुछ ऐसा बोलती थी जो उन सारी महिलाओं के पास आज भी उसी तरह से रखा हो। नीलगढ़ में रहने की और उनके साथ चलने, पैदल चलने और यात्रा करने की इस प्रक्रिया ने मुझे उनके साथ बहुत करीब आने का मौका दिया, बल्कि उन्होंने मुझे अपने बहुत करीब आने का मौका दिया यूँ कहना चाहिए। और फिर कभी कभी मेरे ही आग्रह पे, मुझे याद नहीं आता कि मुझे ये बात बिल्कुल याद नहीं है और बड़ी अजीब सी लगेगी कि उन्होंने अपने लेखक होने और अपने संपादक होने और एक कहानीकार होने की बात मुझे कभी बताई ही नहीं थी। बहुत लंबे समय तक ये बात मुझे, मतलब उनकी तरफ से नहीं बताई गई थी। और एक जो उनको कभी कुछ अपनी कविता सुनाने, कहानी सुनाने का आग्रह नहीं होता, वो मेरे से पढ़ने के लिए जरूर आग्रह करती थी। उन्होंने मेरे को अपनी पुस्तकें बाद में दी भी, काफी बाद में। और नीलगढ़ पे के संस्मरण, शायद उनकी स्मृति में मैं जैसा कह रहा था कि वो उनके साथ नीलगढ़ कुछ चला भी जाता था और कोई मान ही सकता है कि कुछ
किसी एक पेड़ से, किसी एक शाख से, किसी एक फूल से, किसी एक तितली से भी जिनका इतना जीवंत रिश्ता कायम होता हो, उनका एक पूरे समूचे जंगल से तो जाहिर सी बात है कमाल का रिश्ता कायम होता ही है। उन्होंने एक कहानी भी लिखी है जो जिसकी पृष्ठभूमि नीलगढ़ गई है, और उनकी कहानी पढ़ने के बाद मुझे नीलगढ़ एक अलग तरह से, एक और तरह से दिखाई देने लगा। तो एक नीलगढ़ के प्रसंग से शायद अभी समय को ध्यान में रखते हुए इतना ही। दूसरी बात, मैं उनके सेवा संस्था के साथ के काम से जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं उनके हवाले से करना चाहता हूँ। मैं पिछले बीते 30 सालों से सामाजिक क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे को तमाम लोगों से मिलना जुलना हुआ। बहुत सारे लोगों के कमिटमेंट्स, किसी उनकी प्रतिबद्धताएं किसी सामाजिक विषय को लेके देखने को मिली, लेकिन जिस तरह का खरापन, मतलब ज्योत्सना जी की सेवा संस्था के काम को लेके, उस विचार को लेके मुझे देखने को आया, वैसा खरापन तो शायद इस दौर में इतना आम नहीं है। और मुझे लगता है कि वो शायद उसमें ज्योत्सना जी की अपनी जो खूबी रही होगी वो तो है ही शायद शामिल, लेकिन शायद उसमें उस संस्था की संस्कृति का विषय भी है, जहाँ जहाँ इलाबेन जो उसकी संपादिका हैं उन्होंने मतलब किसी के स्त्री होने को अलग से देखने का जो आग्रह किया, और उसको ये नीचे ऊपर की जगह एक अलग तरह से और एक महत्वपूर्ण महत्व के तौर पे देखने की जो एक कबीड़ा उठाया, और तमाम मतलब वो तो इतना बड़ा आंदोलन है कि कितनी सारी महिलाएं गुजरात से शुरू होकर देश भर में उस आंदोलन से जुड़ती चली गई। ज्योत्सना जी उसकी भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण इकाई रही, और मैं अनसुया ट्रस्ट के बोर्ड के मेंबर की हैसियत से उनके साथ अनसुया सेवा के अहमदाबाद के कार्यालय वगैरह में भी जाता रहा, और सेवा की अन्य बहनों से भी मिला। बल्कि मुझे दो तीन घटनाएं जो याद आती हैं कि एक तो ज्योत्सना जी ने इला बहन की कुछ किताबों को हिंदी में अनुवाद किया था, और उनका उसमें से एक किताब का विमोचन भोपाल में होना था, और भोपाल में होने वाले इस आयोजन में उन्होंने मेरे से कहा कि अनंत तुम ये मंच संचालन करना। तो मैं तो नीलगढ़ में रहता था और मुझे इस तरह से बहुत सारे आयोजनों में शिरकत करने का अवसर और अनुभव दोनों ही नहीं था, लेकिन उनको लगा कि मुझे ही करना चाहिए, और उन्होंने मुझे वो संचालन करने दिया, जबकि काफी बड़ा कार्यक्रम था। यानी मेरे जैसे नौजवान युवा की, यानी जिसकी कोई अपनी अपना कोई इतना दखल नहीं है इन तमाम चीजों में, उसको इस तरह का उसमें कुछ ऐसा देख पाना, और फिर वो तैयारी भी कराती थी उस तरह से, तो वो उन्होंने मुझे एक अनुभव दिया था। और उन्होंने मुझे मैं वहाँ उनके साथ जब अहमदाबाद गया तो वो मुझे सेवा के बैंक में लेके गए। मैं जब उस बैंक में गया
तो मैं को कोई और ऐसी जगह जाने का स्मरण ही नहीं था जहां पे सिर्फ महिलाएं हों। और किसी कार्यालय और बैंक जैसी जगह में तो ऐसा कभी नहीं हुआ जहां सिर्फ महिलाएं। और मुझे पुरुष के रूप में बहुत ही विस्मय हुआ पहले तो, और फिर एक अजीब सा ना एकाकीपन महसूस हुआ। तो आपको ये काम करने वाले लोग जिनके सामने फाइलें जाती हैं उनके रूप में पुरुषों को देखने की आदत थी, और एक साथ इतनी सारी जगहों पर उस समय, आजकल तो बहुत देखने को मिलता, मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ तो ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है, लेकिन आज से 25-28 साल पहले किसी ऐसी जगह में जाना तो मैं बहुत चमत्कृत भी हो गया। तो मैं उनको रास्ते में ये बात बता रहा था तो उन्होंने मुझसे इस बात को कहने को वो भी कहा उस कार्यक्रम में, और इसके बारे में कुछ लिखने को भी कहा। अनसुया जो सेवा का मुखपत्र है और उसकी हिंदी एडिशन की ज्योत्सना जी उसका संपादन करती थी, एक विलक्षण सा मुखपत्र निकलता था। अपने आप में बहुत अलग किस्म का पत्र था, जो वो सामाजिक सरोकारों को लेकर बात करने वाला भी था, लेकिन उसमें कुछ एक अलग तत्व भी था जो ज्योत्सना जी का तत्व था, और तमाम लोग उससे जुड़ते थे और उनका संपादकीय, मतलब वो इतनी बारीक चीजों पर इतनी गहरी दृष्टि डाल पाता था और उसको इतने सरल तरीके से कह पाता था कि किसी के भी समझ में आए। सेवा में काम करने वाली बहुत सारी लोग, और ये काम करने वाले फील्ड में काम करने वाले लोगों का लिखने पढ़ने से मैं हाथ थोड़ा तंग होता है। ज्योत्सना जी की ये काफी फिक्र का विषय था, वो चाहती थी क्योंकि इनके पास कहानियां तो होती थी, लेकिन वो कहानियां उनके हवाले से सिर्फ बातचीत में ही निकलती थी, तो तमाम लोगों को अपनी कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। और एक बार तो उन्होंने एक कार्यशाला भी की जो हम लोगों ने, मैं उन दिनों देहरादून में होता था, तो उन्होंने मेरे से देहरादून के आस पास मसूरी में पवन गुप्ता जी और अनुराधा जोशी संस्था चलाते थे, वहाँ उस कार्यशाला का आयोजन किया। और बिहार, मुंगेर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमाम जगहों से सेवा की बहनों को नाम बुलाया, और वो खुद इतना अच्छा करती थी, मतलब इतनी लेखिका थी तो खुद भी अकेले ही वो कार्यशाला कर सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया वो, उन्होंने कुछ हिस्सा खुद किया लेकिन ज्यादातर हिस्सों के लिए उन्होंने, तो अनुपम मिश्र जी को भी उन्होंने बुलाया, प्रसून लतान जी भी आए। तो इतने समर्पण और निष्ठा से और इतनी आत्मीयता और प्रेम से वो किसी भी चीज को करती थी। और मुझे याद है, मतलब वो तो इलाहाबाद की बहुत का बहुत सम्मान करती हैं, वो इलाहाबाद को का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन फिर भी जब बैठक में जाते थे तो ज्योत्सना जी बैठक के पहले दिन इतनी तैयारी कर रही होती थी क्योंकि वो साल भर ही एक बेहतर काम करती थी, लेकिन उनको सब कुछ इतना सच लगता था, वो जितनी खरी थी जितनी सच्ची थी उनको सब कुछ, यानी कुछ भी ऐसा नहीं लगता था कि जो रूटीन है, उनके लिए शायद कुछ भी रूटीन नहीं था, हर एक पल एक संपूर्ण जीवन था और उसके अंदर सारे किरदार सच्चे और खरे थे उनकी तरह, और उसके अंदर होने वाली हर घटना सच्ची और खरी थी, कुछ भी शायद रोजमर्रा नहीं था, हर दिन का उनका खाना पकाने से लेके उनका कुछ भी काम। उनके साथ उस समय मध्य प्रदेश में पंचायती राज
की शुरुआत हुई थी, वो पहली बार महिला प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आए थे। लेकिन ज्यादातर जगहों पे वही होता था कि सरपंच अगर महिला है तो सरपंच पति ही प्रमुख भूमिका में होते थे। तो ज्योत्सना जी ने इसके ऊपर काफी, उनको ये बात बहुत अटपटी लगती थी। तो हम लोगों ने रायसेन के कई अलग अलग भागों में महिला प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनको छोड़ने के लिए भी उनके पति आते थे। और ज्योत्सना जी बहुत दृढ़ नजर आती थी, ये कहने में विनम्र तो थी ही, इसको तो दोहराया ही जा सकता है, जो भी उन्हें जानता है उन्हें पता ही है। लेकिन वो विनम्रता के बीच में उस मतलब इतनी दृढ़ता भी थी, और वो एक तरह का मेरे सामने तो एक उदाहरण ही थी कि विनम्रता और दृढ़ता दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रह सकती है, उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं। तो वो वहां आने वाले वो सरपंच पति जो छोड़ने आते थे उनकी पत्नी को, तो उन्होंने तो उस संवाद से उनको बाहर ही किया। उन्होंने कहा कि आप चाय पीने के हकदार हैं, हम लोग भोजन जो करेंगे उसके आप हकदार हैं। लेकिन उस संवाद, वो संवाद तो उन्हीं प्रतिनिधियों से होगा जो वास्तविक चुने हुए प्रतिनिधि। तो इस तरह का भी उनका व्यक्तित्व था। और तीसरी बात जो मैं देखिए, मैंने इस बात की ये बात तो पहले ही कह दी है कि साहित्य मेरी कोई विशेषज्ञता का विषय नहीं है। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही सुधी पाठक भी नहीं कह सकता, मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा है, विशेषकर इस मंच में जिस तरह की बातें हुई हैं उनके सामने मेरा कुछ बोलना। लेकिन एक सामान्य से जो लोग कवि लेखक होते हैं वो तो सबके होते हैं, ज्ञानी अज्ञानी सबके, है ना। तो मेरा भी एक पाठक के रूप में हक बनता है, और एक मैं अपने आप को थोड़ा सा विशिष्ट पाठक भी पाता हूँ, क्योंकि मैंने तो उनका लिखा हुआ ज्यादातर उनके मुंह से ही सुना और उसके बाद पढ़ा। तो मुझे तो ये एक दोहरा सौभाग्य है कि वो बातें भी मैंने, उन बातों तक भी पहुंचा और उनके बात को कहने वाले व्यक्ति के साथ भी मेरा रिश्ता संवाद हो पाया था। मुझे जिस कविता ने सबसे पहली बार उनके कवि से परिचय कराया था, वो कविता लगातार शीर्षक से थी। और इस एकाग्र में ही जो वो खुद भी पाठ कर रही हैं, तो शायद उनकी भी प्रिय कविताओं में से एक रही होगी, तो उसका जिक्र आया है। मुझे लगता है एक दो और लोगों ने अपनी बात को कहते हुए उसका जिक्र किया है, मेरे को पूरी तरह से तो याद नहीं है और मैं उसको पढ़ने का की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ तक। लेकिन उसका जो भाव था वो ये था कि अचानक जब मेरी नजर अपने पैरों पर पड़ी तो मुझे पता चला ये अब भी वहीं खड़े हैं जहाँ सदियों पहले इन्हें गाड़ा गया था। ये शब्द थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए माफ कीजिएगा। और उसमें आगे कुछ था कि जिसके मन आता गया वो टांगता गया मुझ पर, थैला अंगोछा या अपनी थकान, और मुझे लगता रहा कि जैसे मैं चलती रही लगातार। तो मुझे जहां तक याद है कि ये कविता उन्होंने, खैर उस बात को खैर छोड़ते हैं, लेकिन इस कविता ने मुझे तो झकझोर के रख दिया। मतलब कितनी कितनी
स्त्रियों ने इस कविता को किस तरह से पढ़ा होगा मैं अंदाज लगा ही सकता हूँ। लेकिन मुझे एक पुरुष के रूप में भी एक पुरुष समाज के सामने एक बहुत ही विनम्र लेकिन बहुत ही दृढ़ स्त्री विमर्श खोलने का आग्रह करती हुई कविता और कितनी कितनी सरल कितनी छोटी सी कविता में इतनी इतनी बड़ी बात को कैसे कह सकता है ऐसा लगा। और मुझे लगता है कि एक एक दृष्टि जो जिसकी मैं बात पहले कह रहा था कि आपकी आंखें तो होती हैं लेकिन आपकी दृष्टि कई चीज़ों से मिलकर बनती है, उसमें एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का होता है जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है। मेरी मेरी संवेदना मेरी दृष्टि बनने में शायद ज्योत्सना जी की इस कविता का भी बहुत बड़ा स्थान है। फिर मुझे उनकी उनकी वो कविता जिसको भी शायद उन्होंने भी पढ़ा और मुझे जहाँ तक याद है कि निधीश जी ने भी अपने वक्तव्य में जिसका जिक्र किया कि वो जिसमें महिला एक पुरुष को एक ईश्वर के तौर पर देख रही है और उतनी ही उत्साहित होती है किसी उस ईश्वर से मिलने के लिए, और जब वो ईश्वर खुद कह बैठता है कि मैं ईश्वर हूँ तो उसके ईश्वर ना होने की नादानी एक तरह से स्पष्ट हो जाती है और एक ये और इन्हें एक ईश्वर को खो देने का एहसास होता है और वो पलट के दूसरी तरफ में करके सो जाती है। तो ये कविताएं मुझे लगता है कि बार बार पढ़ के नए नए अर्थ देती हूँ और एक पूर्ण बात को तो हर बार बताती हूँ, फिर आप इसके नए आयाम ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये कविता भी मुझे बहुत ही एक तरह से अपने आप को देखने के की दृष्टि देने वाली कविता दिखती है। फिर मुझे मतलब वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे उनका ये कहते हैं ना कि नियम से या नींद से छोटी होती है माँ की रातें और नियम से बड़ा होता है उनका दिन, मतलब रोज ही हो रही है वो जो लिख रही है उनमें काफी कुछ ऐसा था जो शायद हम सबके आसपास सामने बरसों से लगातार घट रहा होता था लेकिन उसके अंदर की टीस उसके अंदर की पीड़ा और उसको इस तरह के शिल्प में रखने का कौशल शायद सबके पास नहीं होता। तो वो कविता भी बहुत एक तरह से मतलब माँ अपनी माँ को देखने पे मजबूर करती है मुझे अपनी माँ के बारे में सोचने में, दादी के बारे में सोचने, नानी के बारे में सोचने पे या अपनी पत्नी के बारे में सोचने पे मजबूर करती है कि क्या उसकी नींद से छोटी रात है, क्या उसका नियम से बड़ा दिन है। तो उसका शिल्प तो है ही है सौंदर्य, लेकिन शायद ये बहुत विचारोत्तेजक भी मुझे लगी वो कहानी उनकी कविता। ऐसी उनका मतलब कुछ चीजें वो ऐसी देख पाती थी जैसे कौन नहीं होगा जिसने अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखा, और किसने पेड़ों को हिलते हुए नहीं देखा। सभी ने देखा होता है लेकिन ज्योत्सना जी को तो हवा दिखा रही होती है और ज्योत्सना जी की हवा है जो वो तो पेड़ की डाल पकड़ के झूला भी झूलती है, तो डाल भी नहीं बल्कि डगाल है। तो ये बहुत ही ये कविता भी मुझे मुझे बहुत बहुत प्रिय लगती है और मुझे ये बात लगी कि भाई ज्योत्सना जी तो ठीक ही कह रही है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पोएटिक होने वाली बात है,
पेड़ तो था ही, मैं उसके आकार प्रकार से तो उसके झूलने पे ही वाकिफ हो पाया, और उसके झूलने के पीछे जो बात थी वो तो हवा ही थी। तो एक तरह से हवा ही तो पेड़ को देखना सिखा रही थी। तो ये कविता भी मुझे बहुत प्रिय है, और मेरे ख्याल से हम अपना काफी समय के करीब पहुंच गए हैं। मैं तो बोलते समय कोई चैट बॉक्स पे देख नहीं पाया हूँ। जब मैं सुन रहा था तो श्रोता के तौर पे जरूर चैट बॉक्स में क्या कुछ चल रहा है वो देख पाता, लेकिन आज तो मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। तो मुझे माफ कीजिएगा अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा कहा हो जिसमें मेरे लिए कोई प्रश्न हो या सबक हो, तो मैं वो तो नहीं देख पाया हूँ। राजूला का कल का जो सत्र था, वो कहानी भी उन्होंने, उनकी कहानी मैंने उनके मुंह से सुनने का सौभाग्य पाया था, और मतलब एक पूरा का पूरा दौर उनकी कहानियों में, शायद ऐसा महसूस कर सकता था कई कहानियों में, कुछ रही होंगी जो बिल्कुल काल्पनिक हो, लेकिन बाकी तमाम कहानियों में लोग अपने को ही, जब वो चिट्ठी छुपाने वाले व्यक्ति के रूप में, जो चिट्ठी छुपाने के लिए, चिट्ठी को व्यवस्थित रूप से कहीं रखने के लिए कोई जगह तलाश रहा व्यक्ति, और आपको शिकायत पता चलता है कि पूरा घर तो आपका है लेकिन इसकी कोई भी जगह आपकी नहीं, इन बारीकियों को देखने की जो समझ और उसको जितनी खूबसूरती से कहने का हुनर ज्योत्सना जी के पास था, एक तरह से ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया जैसा ही कुछ लगता है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को और अनुपम जी जनसुलभ पुस्तकालय की, उनको यूँ तो कमाल का काम कर ही रहे हैं। मैं तो इसके पहले के भी कुछ एक आग्रह से जुड़ा, लेकिन ज्योत्सना जी का ये जो आग्रह था मेरे व्यक्तिगत, मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति आपने यहाँ पर मुझे अपने संस्मरण कहने के लिए बनाई। बहुत दुविधा में भी था क्या कहूँगा क्या नहीं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था जो लिखा भी लेकिन उसको पढ़ा नहीं। तो फिर भी ज्योत्सना जी को याद करना मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद उसमें से कुछ एक बात आपको भी पसंद आई होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।